विंध्याचल जोधपुर पैसेंजर, ग्वालियर इंटरसिटी और झांसी इटारसी पैसेंजर 6 से 13 अगस्त तक भोपाल से बिना के बीच नहीं चलेगी। पवई से गुलाबगंज के बीच तीसरी लाइन के इस 10 किलोमीटर के सेक्शन में इंटरलॉकिंग के चलते 6 से 13 अगस्त तक ट्रेन यातायात प्रभावित होगा। 2 गाड़ियों को पूरी तरह से और 4 ट्रेनों को आंशिक तौर पर निरस्त किया जाएगा। डीआरएम के जनसंपर्क अधिकारी कमल किशोर दुबे ने बताया कि दोनों तरफ की भोपाल बीना मेमू और बिना गुना पैसेंजर पूरी तरह से निरस्त रहेगी। अप और डाउन की जोधपुर पैसेंजर, विंध्याचल एक्सप्रेस, ग्वालियर इंटरसिटी और झांसी इटारसी पैसेंजर भोपाल से बिना के बीच नहीं चलेगी। इसके अलावा कुशीनगर एक्सप्रेस को 2 घंटे और लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस को आधे घंटे का स्टॉपेज गुलाबगंज स्टेशन पर दिया जाएगा। भोपाल मंडल के भोपाल बीना रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन का काम प्रगति पर है और जिसके अंतर्गत पवई और बरेठ स्टेशनों के बीच में ये लाइन का काम पूरा हो चुका है और इसको दोनों स्टेशनों पर मेन लाइन से कनेक्ट करने का कार्य कल 6 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए हमें उन स्टेशनों पर जो सिग्नलिंग प्रणाली है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, जिसके कारण कुछ गाड़ियों को आवागमन की दृष्टि से पूर्ण रूपेण और कुछ को आंशिक रूप से रद्द करना पड़ रहा है। यह गाड़ियां इस प्रकार हैं, जो 4 गाड़ियां हैं, 2 जोड़ी वो पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जिसमें से 61631, 61632 भोपाल बीना, बीना भोपाल मेमू एक्सप्रेस, ये 6 से 13 अगस्त के बीच पूर्ण रूपेण रद्द रहेगी। बीना गुना, गुना बीना पैसेंजर जो है ये भी पूरी तरह से रद्द रहेगी। 8 गाड़ियां 4 जोड़ी जो हैं आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, जिसमें भोपाल ग्वालियर, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस जो गुना होकर चलती है, यह गाड़ी 6 से 13 अगस्त के बीच भोपाल बीना स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी और बीना से ग्वालियर के बीच अपने निर्धारित समय अनुसार चलेगी। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डेरी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।